हेलो एवरीवन, सब अपना काम काम कर लो। बोलो, किसी को कोई भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम, मैम लास्ट वाले एनीथिंग। लेक्चर्स में क्या हुआ? लास्ट लेक्चर्स का वीडियो भेजा गया था, वो देखना था। मतलब नहीं आपको मिला, लिंक मिला मतलब ना? आज कंटिन्यूएशन में नॉट प्योरली, आज स्टार्टिंग में तुम लोग फ्रेश ही करेंगे, और उसके बाद भी जो है इट इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट, यू कैन स्टे। बट वो प्लीज। लास्ट क्लास में वो क्वेश्चन था ना, के की वैल्यू हाँ, क्या आ रही थी? उसकी वैल्यू 1 आ रही थी क्या के की? हम लोग अभी करेंगे वो क्वेश्चन थोड़ी देर में। ठीक है, चलो। टुडे वी विल स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई मैम, इन अगर टर्म्स ऑफ एक्स, किसी बड़ी वैल्यू, क्या वापस हम बोलो। जैसे वो एग्जाम्पल, जैसे हम अगर हमें किसी बड़ी चीज से छोटी चीज तक पहुंचना हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं। बड़ी चीज से छोटी चीज तक पहुंचना। अच्छा, और क्रिएटिव आंसर्स दो मुझे, और डिफरेंशिएशन किसको क्या लगता है, क्या होता है? बारे में से एक्सपोज करना, क्या करना? रिड्यूस करना एक बार। एक्स को एक बार रिड्यूस करना? नहीं, लाइक डिवाइड द होल बाय एक्स। दैट इज नॉट डिफरेंशिएशन। आप लोग स्कूल में किए हो डिफरेंशिएशन 11 12 में? यस Yes, ma'am. मैम, किया किया है सबने? लेकिन ठीक उसका डेफिनेशन है, नहीं तो किया है। मेरे को एक बात बोलो, अंडरस्टैंड। बहुत बहुत बार होता है कि स्कूल में वी जस्ट गो विद द फ्लो कि बस सम्स बनाने कैसे। हमारे सर ने तो ये बोला था कि अगर तरबूज से 20 तक पहुंचना हो तो डिफरेंशिएशन करते, और 20 से तरबूज तक पहुंचना हो तो इंटीग्रेशन करते। तो मैं बताती हूँ क्यों। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना होता है, और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है। क्योंकि आई डोंट नो, आप लोग भी देखे होंगे कि डिफरेंशिएशन कंपैरेटिवली इज मच इजियर देन इंटीग्रेशन, फार इजियर देन इंटीग्रेशन। तो यही वजह है कि रिलेशनशिप्स को तोड़ने में, तोड़ना बहुत आसान होता है लेकिन जुड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन इज इजियर देन इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट इज चलो रुक जाओ, पहले इसका भी आंसर सुन लेते हैं। कहाँ गई? अभी भूमिका को एडमिट किया। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन मींस। यहाँ पे एफ एक्स इज अ फंक्शन इन एक्स। तो मतलब कि एक्स उसमें एक वेरिएबल है, तो हम लोग डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? देखने के लिए कि अगर एक्स एक बहुत स्मॉल वैल्यू से चेंज होगा, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू से अगर एक्स चेंज होगा, तो फिर हम लोग का जो एफ एक्स है वो कितना चेंज होगा या वो कैसे चेंज होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली डी वाई डी एक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे वाई इज ऑल्सो अ फंक्शन इन एक्स। यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि वाई इज ऑल्सो अ फंक्शन इन एक्स, इसलिए हम लोग ये दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन को या एक डेरिवेटिव को। डिफरेंशिएट करने के बाद आते हैं हम लोग के पास एक डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसका डिफरेंशिएट करके आंसर क्या आएगा? वेल एक्स स्क्वायर एवरीवन अग्रीज?
कि 12x² आएगा डिफरेंशिएट करके। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम लोग या तो बोल सकते थे कि एफ एक्स है क्योंकि इट इज अ फंक्शन इन एक्स, या हम लोग इसको वाई भी लिख सकते थे क्योंकि हम लोग बहुत बार एफ एक्स को वाई से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, 12x² क्या है, डी वाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स, दीज आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेरिवेटिव्स। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर हम लोग ये 12x² को वापस से डिफरेंशिएट करें, तो ये आप लोग सबको पता है हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, राइट। ये सब किए होंगे स्कूल में कि हम लोग ऐसे लिखते हैं, यस मैम, या फिर इसको वी कैन इवन राइट इट एज एफ डबल डैश एक्स। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा, 24x। एवरीवन अग्रीज 24x। इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। एंड दिस सेकंड डेरिवेटिव इज एक्चुअली कि हम लोग के फंक्शन में ड्यू टू द फर्स्ट चेंज कितना चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे जाके जब तो आप लोग एक्सचेंज करोगे, तो सी एम टू में आप लोग पढ़ोगे एक होता है डेल्टा, डेरिवेटिव्स के टर्म्स में होता है कि शेयर प्राइस चेंज होने से हम लोग का जो भी कॉल है या पुट है या जो भी डेरिवेटिव है उसके प्राइस में क्या चेंज आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। एंड डेल्टा के चेंज होने से एंड सॉरी एंड वापस से अगर हम लोग शेयर प्राइस को चेंज करेंगे तो उसका डेल्टा पे क्या इफेक्ट आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं गामा। तो डेल्टा इज नथिंग बट चेंज इन आर कॉल प्राइस ड्यू टू चेंज इन शेयर प्राइस, एंड गामा हम लोग का क्या है, इसी चीज का सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि वो क्या हो रहा है, इसमें चेंज मेजर कर रहे हैं बाय अनदर चेंज इन एस, कि मतलब अब एस चेंज होगा तो ये कैसे चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी एक फंक्शन है एस है। सिर्फ जैसे यहाँ पे 12x² अभी भी एक्स में एक फंक्शन है, तो अब इसमें अगर हम लोग फिर से एक्स को चेंज करेंगे कोई छोटा वैल्यू से, तो इसका वैल्यू वापस से चेंज होगा हम लोग के फंक्शन का। तो दैट इज व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव, कि पहले हम लोग एक्स में चेंज लाएंगे तो हम लोग का नॉर्मल एफ एक्स कैसे चेंज होगा, इट विल बिकम 12x², फिर अगर हम लोग वापस से एक्स में चेंज लाएंगे तो वो इससे इसमें जाएगा, इट वॉन्ट गो एफ एक्स से एफ डबल डैश एक्स, वो पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ पे एक और चेंज होगा एक्स में, तब वो सेकंड डेरिवेटिव पे जाएगा। तो ऐसे कर करके हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स होता है। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड ऑर्डर देखें तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड ट्वेंटी ऑर्डर थ्री ट्वेंटी तो ये फोर कांस्टेंट हो गया क्योंकि अब इसके अब ये कांस्टेंट आ गया। अब इसके बाद हम लोग एक्स में कितना भी चेंज लाए, हम लोग का चेंज इन फंक्शन विल बी जीरो क्योंकि अब ये कांस्टेंट हो गया, इसमें एक्स का कोई फैक्टर नहीं, देयर इज नो एक्स वेरिएबल इन दिस और नो वेरिएबल एट ऑल इन दिस। तो इसलिए अब हम लोग एक्स को कितना भी चेंज करते जाए, कितना भी चेंज करें, हम लोग का फंक्शन इस पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो चेंज इन द फंक्शन विल बी जीरो क्योंकि डी फोर वाई डी एक्स फोर कितना होगा, जीरो जीरो होगा। ये सबको पता है कि जीरो आएगा कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से, जीरो आएगा। क्यों आते हैं कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से जीरो, अभी मैंने समझाया, कौन बोलेगा कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से जीरो क्यों आते हैं। क्योंकि उसमें एक्स है ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू चेंज होने से उसमें कुछ डिफरेंस होगा ही नहीं। इसमें कोई एक्स नहीं है, तो एक कांस्टेंट में कोई एक्स नहीं होने के कारण आप एक्स को कितना भी चेंज कर लो, योर चेंज इन द फंक्शन का वैल्यू विल बी जीरो। ये सबको क्लियर है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। हाँ, यस मैम, सबको क्लियर है सच्ची में बोलो, वरना आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग समझो डिफरेंशिएशन का क्या यूज है और क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर हम लोग को कोई भी चीज में
इफ यू वांट टू सी, कोई भी अगर इक्वेशन हम लोग को दे दिया है, कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया, उसमें वेरिएबल, तो हम लोग को अगर स्टडी करना है कि वो वेरिएबल्स का क्या रोल प्ले हो रहा है हम लोग के वैल्यू में, तो वी विल डिफरेंशिएट. ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि उसका कितना रोल प्ले हो रहा है. तो अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे अगर हम लोग का एक एक्सप्रेशन है, लेट्स से आई एम सेइंग कि मेरा सब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में डिमांड पड़े हुए. हाँ, नहीं भी पड़े हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे को अभी आ रहा है जसलीन साइंस स्ट्रीम का, कोई बात नहीं. हम लोग बहुत बार बोलते हैं कॉमन सेंस है कि डिमांड में, डिमांड को क्या क्या चीज अफेक्ट करते हैं. हम लोग का इनकम अफेक्ट कर सकते हैं, प्राइस हाँ, ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और एक और चीज बोलो, टेस्ट टेस्ट एंड फैशन, एंड प्रेफरेंस. ये तीनों चीज इफेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग कितना डिमांड करेंगे कोई प्रोडक्ट को, हाँ, कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, हम लोग की खुद का इनकम कितना है, एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है. ठीक है, तो मान लो हम लोग टेस्ट एंड प्रेफरेंस को भी यहाँ पे मेजर कर सकते हैं. तो इफ वी वांट टू चेक कि हम लोग का डिमांड में इनकम के कारण कितना अफेक्ट पड़ रहा है, या फिर अच्छा ठीक है, हाँ यही वाले एग्जांपल में अगर हम लोग को देखना कि इनकम के कारण कितना इफेक्ट हो रहा है, तो मान लो हम लोग का इनकम इज कंसिडर्ड 20x. ठीक है, 20x से अगर हम लोग अपने इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट आर डिमांड का फंक्शन. दिस इज अ फंक्शन फॉर डिमांड, दिस इज अ फंक्शन फॉर डिमांड, राइट. अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग का क्या आएगा, 20 प्लस ये दोनों को हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, जीरो. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग का इनकम में जो एक्स है वो एक बहुत छोटे अमाउंट से चेंज होगा, तो हम लोग के डिमांड में 20 टाइम्स इंक्रीज होगा. दिस इज द पर्पस ऑफ डिफरेंशिएशन, टू मेजर चेंजेस. दिस इज द मेन पर्पस आई वुड से, और भी चीज के लिए यूज होता है डिफरेंशिएशन, बट दिस इज द मेन पर्पस टू मेजर चेंज. सब यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस पड़े हुए मैथ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. हाँ, ये क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन के लिए, व्हाट इज, लोग एवरीवन रिमेंबर्स कि स्लोप का फॉर्मूला, अगर हम लोग को 2 पॉइंट्स दिया है हाँ तो इसका स्लोप हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके हम निकालते हैं. हाँ, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप एक्चुअल में इज द चेंज कि हम लोग का जो लाइन है, ये हम लोग का लाइन है, इसका स्लोप विल बी, या तो एक लाइन ऐसे हो सकता है या एक लाइन ऐसे हो सकता है. इसका स्लोप ज्यादा स्टीप होता है, हम लोग बोलते हैं दिस इज स्टीपर एंड दिस इज फ्लैटर, राइट. यही बोलते हैं हम लोग कि इसका स्लोप ज्यादा जी है, इसका स्लोप कम है. तो क्या हो रहा है, आपको सपोज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम लोग का x1, y1 है. ओके, मान लो ये अभी हम लोग का x यहाँ पे है, हम लोग अपने x को थोड़ा सा चेंज करते हैं एंड वी इंक्रीज इट टू दिस पॉइंट. ओके, तो ऐसे लाइन ड्रॉ होगा, थोड़ा सा और करते हैं. अच्छा ठीक है, ये रहने दो, ये किए हम लोग. x1 to x2 मूव किए, तो हम लोग का चेंज इन x कितना हुआ, x2 - x1, राइट. चेंज इन x इज x2 - x1, एवरीवन अग्रीज. हाँ, यहाँ पे हम लोग का ये y1 था, हम लोग का दोनों लाइंस का वैल्यू y एक्सिस के वाज y1. अब जब हम लोग x1 से x2 मूव किए तो क्या हुआ, जो फ्लैटर लाइन था उसका वाई में इंक्रीज सिर्फ इतना हुआ, और जो स्टीपर लाइन था वो उसका वाई इंक्रीज होके
यहाँ पे चला गया। कौन से लाइन का वाई इंक्रीज ज्यादा हुआ? हम लोग एक्स को तो सेम अमाउंट से चेंज की फॉर बोथ द लाइंस, राइट। एक्स सेम अमाउंट से इंक्रीज हुआ, तो हम लोग उस एक्स को एक्सटेंड किए और देखिए कि हम लोग का कॉरेस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट अब कितना हो रहा है, ठीक है। तो मान लो दिस इज वाई थ्री एंड दिस इज वाई टू, तो कौन सा वाला लाइन में वाई का चेंज ज्यादा है? स्टीपर लाइन वाई का चेंज ज्यादा कितना है स्टीपर लाइन में वाई का चेंज? वाई वाई थ्री वाई थ्री माइनस y3 माइनस वाई y, वन एवरीवन एग्रीज कि स्टीपर लाइन का चेंज इतना है और फ्लैटर लाइन का चेंज इतना है। ये समझ में आया कि स्टीपर लाइन एंड फ्लैटर लाइन? तो अब देखो x को हम लोग सेम अमाउंट से चेंज किए, लेकिन हम लोग का जो y वैल्यू चेंज हुआ वो स्टीपर लाइन में ज्यादा चेंज हुआ, फ्लैटर लाइन में कम चेंज हुआ। ये क्यों हुआ? दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि इसका स्लोप वाज मोर देन द फ्लैटर वाले का स्लोप, इसीलिए सेम चेंज इन एक्स से हम लोग का ऊपर वाली लाइन का चेंज वाज मोर वाई के वैल्यू में। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो एक्चुअली नथिंग बट चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। ये भी यही है, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन भी डी वाई डी एक्स ही है एक फॉर्म का। हाँ, सबको ये समझ में आया कि स्टीप वाले का हम लोग एक्स को सेम अमाउंट से चेंज कर रहे हैं, लेकिन स्टीप वाला जो लाइन है उसमें वाई का वैल्यू ज्यादा से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फ्लैट वाले लाइन में कम से इंक्रीज हो रहा है। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि स्लोप क्या है कि कितना फास्ट वाई चेंज होएगा व्हेन वी चेंज एक्स। ओके, अब धीरे ये वाला पार्ट आई थिंक तुम लोग को एक बार शायद ये क्लास के बाद वापस से देखना चाहिए, ताकि तुम लोग के माइंड में ये चीज बैठे। एक बार में जरूरी नहीं है कि यू अंडरस्टैंड इट, बट इफ यू वॉच इट अगेन, एक बार सुनने के बाद इफ यू वॉच इट अगेन एंड यू ट्राई टू कोरिस्पॉन्ड, तो ये चीज एक्चुअल में तुम लोगों को समझ में आएगा कि पूरा लॉजिक क्या है इसके पीछे, ठीक है। अभी हम लोग एक बार थोड़ा सा सम्स करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऑब्वियसली हम लोग का एक्स का कोई फंक्शन होना आएगा, मान लो एक्स टू द पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो क्या होता है एक्चुअल में, जो भी एक्स के पावर में है वो नीचे आ जाते हैं एंड एक्स के पावर से हम लोग वन सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना होगा? वन अपॉन टू एक्स। 1/2x, सबको यही लगता है। माइनस 1/2x, नो 1/2x, मैम 0.5x टू द पावर माइनस 0.5। आप लोग 1/2x ऐसे बोल रहे हो कि ऐसे बोल रहे हो? वो पहले वाला लिखा है ना 1/2x, वो वाला नीचे जाएगा एक राशि, आप भी यही बोल रहे हो? हाँ। क्यों? x to the power 0.5 है, हाँ? तो मतलब क्या होगा, 0.5 पहले तो नीचे आएगा, तो क्या आएगा 0.5x हुआ, और x के पावर में 0.5 था उससे हम लोग 1 माइनस करेंगे, तो 0.5 से 1 माइनस करके कितना आता है? सिंपल मैथ्स, 0.5 माइनस 1 कितना होता है? माइनस 0.5। आया समझ में? आया
आया समझ में सबको कि 0.5 x^(-0.5) क्यों होना चाहिए? बट वो भी सही है शायद। ये सही है। ओ यस मैम, हाँ ठीक है, सॉरी। क्योंकि ये क्या है, 0.5 इज हाफ, x^(-0.5), 2^0.5 तो स्क्वायर रूट होता है, ये सबको पता है। और अगर माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में होगा। क्लियर है ये क्यों गलत था और ये राइट है? यस मैम, यस मैम। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब दिस इज वेयर डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स विद दिस फॉर्मूला। अब इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ और कॉमन होता है, इनको नोट करो। ये किसको याद? सी इज अ कॉन्स्टेंट। अब देखो हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे तो एक्स बेस में मैम था तो हम लोग बोलो। हाँ, सी लॉग सी रेस टू एक्स। मैम सी रेस टू पावर एक्स लॉग लॉग सी। लॉग सी। कैलकुलस में डज नॉट प्ले एनी रोल। कैलकुलस में कहीं भी लॉग बोलो उसको एलएन ही बोलना, क्योंकि अगर आप लोग लॉग बोलने का आदत डाल दोगे तो फिर आप लोग कैलकुलेटर में भी एलएन की जगह लॉग वाला बटन दबाओगे एंड उससे आप लोग का आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि इफ यू आर डीलिंग विथ एनीथिंग इन कैलकुलस तो कभी भी लॉग वाला बटन को यूज, क्योंकि लॉग वाला जो बटन है हम लोग के कैलकुलेटर में दैट यूजेस 10 एज अ बेस, बट हम लोग कैलकुलस में हमेशा ई को बेस लेके करते हैं। तो इसलिए जब ई बेस होता है तो उसको हम लोग एलएन बोलते हैं। दिस ऑल ऑफ अस हैव ऑलरेडी डन इन वन क्लास, राइट? कॉपी करो। क्या है रिस्पॉन्स? थर्टीन रेज टू पावर एक्स एलएन 13। एवरीवन अग्रीज? और किसी का कोई और आंसर? नो मैम, सबको क्लियर है ये वाला? यस मैम, ये इसका कितना ई रेज टू एक्स ई रेज है। टू पावर। फॉर्मूला से याद है कि लॉजिकली मेरे को बता सकते हो क्यों? लॉजिक से बोला क्योंकि एल एन ई तो 1 ही होगा, रेस टू एक्स या लिखो अलग से। वन बाय एल एन एक्स। 1/x
कितना आएगा? वन बाई यू एवरीवन एग्रीज, क्योंकि यहाँ पे एक्स इज अ वेरिएबल, उसकी जगह आप लोग ए टू जेड, इंग्लिश वाला भी ग्रीक वाला भी कोई भी वेरिएबल यूज करो, सबके लिए सेम रूल्स अप्लाई होगा, क्योंकि एक्स हम लोग डिनोट कर रहे हैं कोई भी वेरिएबल, उसको हम लोग कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को हम लोग बहुत हंड्रेड ऑफ वेज से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो फिर उसको ब्रेक करके वो करते हैं डिफरेंशिएशन। किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ब्रेक डाउन करके करने का, दूसरे वेरिएबल्स असाइन करके। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? किसी को भी और कोई मीनिंग चेंज होगा? इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मैम जो 3x² प्लस 2x-1 है ना, उसको u मान लेंगे। हाँ, और इसको फिर यू मान लेंगे, हाँ, इस मैम फिर dy/du और करेंगे, फिर फिर उसको du डी वाई बाई डी यू dx करके कर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो du से du कट हाँ जाएगा और dx आ जाएगा। कितना होगा डी वाई बाई डी? रुक जाओ, जसलीन और राजवीर, मेरे को अदिति, आपको डिफ्रेंसिएशन आते हैं? यस मैम, कितना होगा? 5u^4। राशि बोलो, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद du/dx निकालेंगे और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा डी यू बाई डी एक्स? रुक यू बाई जाओ, डी एक्स होगा मैम भूमिका बोलेगी, भूमिका बोलेगी, 6x+2। अभिषेक अब बोलो, इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग को क्या निकालना है, पहले ये बोलो, हम लोग को निकालना क्या? dy/dx तो हम लोग के पास ये दोनों है, इसे कैसे निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स? dy/du/du/dx। बोलो जैसे कितना आएगा? मान सकते 5 × 3x² + 2x-1 raised to power 4। इंटू 6x+2। एवरीवन प्लीज, यस मैम। थोड़ा डिफिकल्ट
मैम एक बार ऊपर लिखना था। यहाँ पे हम लोग एसेंशियली कर क्या रहे हैं? फॉर एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग का एक एक्सप्रेशन ऑफ एक्स ये है, तो एक बार हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ये इंडिविजुअली भी 5 से रेस्ड है, तो वी हैव टू टेक दैट आल्सो इनटू अकाउंट. तो इसको बोलते हैं चेन रूल. चेन रूल में क्या होता है, आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं लेकिन यू हैव टू रियलाइज कि नाउ यू ऑल आर नॉट इन स्कूल, आप लोग एक्चुअली करने जा रहे हो. तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लोग हर बार ये यू वाला मेथड यूज करो, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बहुत स्टेप्स लिखना पड़ता है. तो बार बार हम लोग को ये जो इतने सारे स्टेप्स एक्स्ट्रा है, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड. क्या करेंगे हम लोग बाहर से स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा जो ब्रैकेट होगा उससे स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे सबसे बाहर में क्या है, ये वाला ब्रैकेट सबसे बड़ा है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे. हम लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम लोग 5 को नीचे उतारेंगे और इस ब्रैकेट की पावर में 4 लगा देंगे माइनस 1 करके, और अंदर जो है दैट विल रिमेन इंटैक्ट. ठीक है, अंदर जो भी है उसको हम लोग अभी टच भी नहीं करेंगे, उसको इंटैक्ट रखेंगे. तो अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा. अब हम लोग वी विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड. व्हेन वी मूव इनसाइड हम लोग क्या देखते हैं, वी हैव टू डिफरेंशिएट जस्ट दिस पार्ट. तो हम लोग फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे और सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर मान लो कुछ ऐसा होता, मान लो ऐसा कुछ होता, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये बड़ा वाला ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, 5 को नीचे लाते हैं और अंदर वाला को एकदम इंटैक्ट रखेंगे, जैसा है वैसे का वैसा लिख देंगे, और पावर में क्या डालेंगे, 4. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दिस पार्ट, एज अ होल इसको करेंगे. क्या करेंगे, 3 log ऑफ समथिंग है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लोग है। नहीं वैसे मत करो, मेरे को पता है 15 log x हो सकता है, लेकिन हम लोग को x टू द पावर 5 रखना है इसे. 3 1 अच्छा, या फिर एक काम करो, रुको अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 5। रुक जाओ, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन. राशिद मारा आवाज बहुत अब बोलो, अब क्या करेंगे? मैम वो 3 लोग 5x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या होगा 3 log 5x का डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन 3 अपॉन 5x, फिर 5x का और करना पड़ेगा, 5, 5x का और करना पड़ेगा। ठीक है, 5x तो बाद में कवर करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हम लोग को एक नया ब्रैकेट लगाना होगा, क्योंकि ये x का अपने में भी एक फंक्शन है 5x, क्योंकि इसको इंडिविजुअली भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, राइट? 5x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो इसको भी हम लोग इंडिविजुअली करेंगे, लेकिन अभी नहीं. क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो अभी हम लोग बस इतना लिखते हैं, 3 by 5x, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ log of 5x को कंसिडर कर रहे हैं. वी हैव फॉरगॉटन कि अंदर में भी जो है उसमें एक और x है, वो हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे. क्या आएगा उसके बाद, ये आएगा
फिर हम लोग देखेंगे इस ब्रैकेट को। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? फाइव तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा? 25 बट पता है एक चीज, ये गलत है। हम लोग वो पूरी फाइव चीज में जो फाइव नहीं है मल्टीप्लाई कर सकते। ये जो फाइव है, दिस इज ओनली फॉर दिस टर्म, इट इज नॉट फॉर द प्लस टू, है ना? क्योंकि हम लोग सिर्फ इसको कंसिडर करके एक फाइव मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो टू का उस फाइव से कोई भी लेना देना नहीं, राइट? तो इसीलिए हम लोग फाइव कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/5x में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को फाइव? लॉजिक समझ में आया कि हम लोग पूरे चीज को फाइव से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते एंड जस्ट दिस टर्म को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि वो जो फाइव है, इट डज नॉट अफेक्ट दीज पार्ट्स, इट ओनली अफेक्ट दीज पार्ट्स। इसलिए हम लोग सिर्फ इस टर्म के डिफरेंशिएशन में एक फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे। ये है चेन रूल। एक बार सम करो, सब खुद करो और मेरे को आंसर बताओ। मैं बोलूं बोलो। 15x² e^2 5x³-1 बाकी लोग बोलो क्या लगता नहीं आएगा। है? सबको यही लगता है? ट्राई करो सब। अभिषेक, अदिति, आप लोग को क्या लगता सेम है? अभिषेक करिए देखो, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट्स कैसे बनाएंगे? एक फंक्शन इन एक्स ये है और एक फंक्शन इन एक्स ये पूरा चीज है। तो सबसे हम लोग सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो ई टू द पावर समथिंग को हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना होता e टू द पावर समथिंग है? ए बाबा, अभिषेक को बोल दो, तुमने सबका हो गया ना, उसको समझने दो। बोलो। e टू द पावर समथिंग का होगा समथिंग इनटू e टू द पावर समथिंग -1। जब e टू द पावर समथिंग है, तुम जो बोल रहे हो वो क्या है? अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू e डिफरेंशिएट करते तब होता है ना? ये कब होता है? जब x बेस में होता है और पावर में कुछ भी कांस्टेंट होता है, तब हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट x टू द पावर कांस्टेंट -1। लेकिन जब हम लोग का जो x है वो पावर में चला जाता है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या है, हम लोग ई के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना डिफरेंशिएट करें। ई के पावर में ये है, तो मतलब एक्स पावर में आ रहा है। हाँ, तो हम लोग को यूज करना होगा ये फॉर्मूला, नहीं तो ये फॉर्मूला। हाँ, तो दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग ओवर। इस फॉर्मूला को यूज करके क्या आएगा? ई टू द पावर एनीथिंग, याद रखना, चेंज ही नहीं होता। ई टू द पावर एनीथिंग इज द सेम थिंग। तो जब हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग का यही चीज आ जाएगा, यही फॉर्मूला है। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पूरे चीज को अफेक्ट कर रहा है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आएगा? मतलब हम लोग को बेसिकली 5x³
माइनस वन को डिफरेंशिएट करना है, 15x² आ जाएगा, 15x² आ जाएगा। अभिषेक इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? थ्री टू द पावर 3x। डरो मत, स्टेप बाय स्टेप करने का ट्राई करो। थ्री ई टू द पावर -3x। वेरी गुड, हुआ ना? समझ में आया कि चेंजिंग कैसे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? सबको क्लियर है ये चीज, ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है? यस मैम। मैम आंसर होगा 36 आर इनटू ब्रैकेट में 3 आर स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर 5। एक सेकंड वापस बोलो। 36 इनटू आर ब्रैकेट में 3 आर स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर 5। मैम 6 6 आई मैम 6 फिर ब्रैकेट में 3 आर स्क्वायर माइनस 5 रेज टू पावर 5 इनटू 6 आर। एग्जैक्टली सेकंड 3 आर स्क्वायर माइनस 3 r² माइनस 4 रेज टू पावर 5 इनटू 6 r। मतलब बेसिकली सेम ही चीज जो अभी लड़की ने बोला। और बोलो बाकी लोग। सेम राशि आप बचे हो, बस बताओ आपका कितना आ रहा है मैम। एक सेकेंड मैम, मेरा अलग मुझे समझ नहीं आ रहा ये ऐसे क्यों किया। तो तुमने कैसे, तुम्हारा आंसर क्या है? सिक्स ब्रैकेट में ओके नो 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 मैंने एक ही हाँ नहीं बराबर है शे में बराबर है। हाँ हाँ ठीक है चलो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। -6x e raised to power -3x². -6x e raised to the power -3x²
बाकी लोग बोलो मैम सेम है। हाँ हमको एक्स आएगा मैम 6 के साथ। -6x होगा। हाँ बोलो सेम कैसे मैम, मेरा 18x आ रहा। बताओ कैसे नहीं, क्यों। -3e-3x² -3 e-3x² इंटू -6x। ये -3 कहाँ से आया, यहाँ से उतारा है? क्यों होता है, हम लोग कैसे करेंगे ये पूरा चीज। फॉर दैट मैटर यहाँ पे ब्रैकेट कैसे बनेगा, ये पूरा एक फंक्शन है एक्स में और ये पूरा एक फंक्शन है। तो जब आप ये -6 ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, -3 × 2 कर रहे हो, तो व्हाई डू यू हैव टू टेक दिस -3 अगेन। एक बार तो आप ले रहे हो ना यहाँ पे -3। अच्छा यस या तो मैम, आप ऐसे गॉट इट। करो कि आप -3 उतारो और फिर खाली x² को करो, वो भी आप कर सकते हो। तो जब आप खाली x² करोगे तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ -6x यू विल जस्ट मल्टीप्लाई 2x। क्लियर है, सबको यस मैम, क्लियर है ये वाला सम। आगे बढ़े, तो इतना जैसे हम लोग चेन रूल कब अप्लाई कर रहे थे, जब एक ही फंक्शन था एक्स में। अब क्या होगा अगर ऐसे कुछ हुआ कि टू फंक्शंस है एक्स में और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसमें हम लोग चेन रूल नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, हाँ इसमें वी कैन नॉट पुट चेन रूल, क्योंकि चेन रूल में हम लोग क्या सीखे, एक के अंदर एक है ना, e²³x और 3x²e²x, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो 3x² है वो e के अंदर में ही है, मतलब एकदम वो e से कनेक्टेड है, उसका एक पार्ट है, वी कॉल इट नेस्टेड फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3x² इज नॉट अ पार्ट ऑफ e²x, इट इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम e²x। मतलब अगर हम लोग ये 3e² को हटाना चाहेंगे इस फंक्शन के बाद तो वी कैन रिमेन विद e², लेकिन यहाँ से अगर हम लोग इसको निकालना चाहेंगे हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि वो उसका एक पार्ट बन गया। तो जब ऐसे होते हैं और हम लोग चेन रूल नहीं लगा सकते तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है टू फंक्शंस ऑफ एक्स का। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए व्हाट वी यूज इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, किसको याद है? एफएक्स पढ़े। मान लो यू इंटू वी, हाँ वेर यू एंड वी आर टू फंक्शंस। बोलो जस्ट, हाँ ओके यू इनटू डी डीवी बाय डीएक्स प्लस डी डीयू बाय डीएक्स। सब कॉपी कर लो इसको पहले। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, एक डैश या मतलब एक अपोस्ट्रोफी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, टू डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव।
सम करो जिसका जिसका कॉपी होता है। वन प्लस लॉग है। अभी मैंने क्या बोला था क्लास के थ्रू में, और शायद आप थे नहीं, कि हम लोग कैलकुलस में कभी भी लॉग नहीं पढ़ते, एलन एलन पढ़ते। बाकी लोग का किसी का कोई और आंसर है, या किसी को अगर समझ में नहीं आया कैसे नहीं, किया मैंने? ये या दिसन सेम है। अभिषेक आपका? मैम सेम। तो सबको समझ में आ गया प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है? प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो जी एल डी क्या होता है? क्वेश्चन रूल से मतलब क्या समझ में आ गया? यू अपॉन वी। एंड इट्स एफ एक्स जी डेफ एक्स माइनस जी एक्स एफ डेफ एक्स एफ एक्स जी डेफ एक्स। माइनस जी डेफ जी एक्स एफ डेफ एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। मतलब अदिति के कहने का मतलब है ये मैम जी एक्स एज इट इज रहेगा, पहले एफ डैश एक्स का होता है सबसे पहले डिफरेंशिएशन। पहले हमेशा याद रखना कैलकुलस से कुछ भी सीधा नहीं होता, तो हम लोग पहले कांस्टेंट रखेंगे दूसरे वाले को, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो अच्छा इसको मैम वो जी डैश एक्स होगा ना, बिल्कुल कौन सा वाला? कौन मैम। मैम यहाँ ऊपर में। हाँ यहाँ क्यों? यहाँ पे तो हम लोग एफ डैश एक्स कर रहे हैं पहले हम। ओ सॉरी, हो गया सबका कॉपी? यस मैम।
वन अपॉन 3x+1 का होल स्क्वायर। यस मैम दिया है। सबका सेम आ रहा है? देखो अभिषेक सर कुछ ला रहा है, नहीं समझ आया तो बोलो, आई विल एक्सप्लेन। कोई भी है कर रहे मैम, कर रहे हैं। मैम इसका आंसर क्या होगा? ये रन खा क्या किया बेटा? यू क्या यू है एक्स 3x+1 यू डैश यू डैश है वन और वी कांस्टेंट रहेगा। वी डैश कितना है? वी डैश 3 और यू कांस्टेंट रहेगा बाय 3x+1 होल स्क्वायर आ गया। कहाँ पे गड़बड़ हुआ था? नहीं ये इतना तक किया हम तो भूल गए कि ब्रैकेट्स खुल भी सकता है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो समझ में आया सबको कैसे आया ये? आप पहले तुम लोग लिखो। मैंने 4 साल से साइंस छोड़ दिया, कुछ पता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद आई डिडंट इवन टच ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि मैं सीए कर रही हूँ, उसमें नो यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली कर रही हूँ एब्सोल्युटली नो यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कॉलेज में बीकॉम में मैम एक क्वेश्चन है पूछूं? आप शिया और एक्चुअली साथ में कैसे कर रहे हो? बिकॉज़ आई आल्सो वांट टू डू इट दैट्स व्हाई। यू आल्सो वांट टू डू सी एंड एक्चुअली टुगेदर? हाँ ठीक है, आपको शाम को फोन करना। ओके मैम। हाँ तो कोई यूज नहीं ट्रिग्नोमेट्री का। इस बार एसेट देने के पहले मेरे को रिवाइज करना पड़ा क्योंकि कोई यूज नहीं होने के बाद भी उन लोग पता नहीं क्यों एसेट में टेस्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। उन लोग इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री देंगे, रिलेशन फंक्शन में देंगे, डिफरेंशिएशन में देंगे और इतना काफी नहीं था, उन लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस भी दे देते हैं। बहुत बार उन लोग क्या देंगे, एक क्वेश्चन आया था समथिंग लाइक क्या चीज जान ले लेंगे बच्चे की एसेट में। जिसको छोड़ के जाना वो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन प्लीज अगर ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के जाओ तो और कुछ मत छोड़ के जाना। आई वुडंट से कि मत छोड़ के जाओ, अगर एकदम भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो, बट फिर बाकी चीज के लिए क्वेश्चन रखना, ठीक है? क्योंकि ऐसे भी मैं बोल रही हूँ 100% एसेट का पेपर अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि लोग कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं मैथ्स स्टैट्स में।
स्टैथ्स में तो फिर भी ठीक है, मैथ्स में तो कहीं से इतनी ब्लाइंडली दे जस्ट पिक अप एनीथिंग, देयर इज नो फिक्स सिलेबस फॉर मैथ्स. तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री में इसका वैल्यू कितना होता है. 180 डिग्रीज. तो अगर हम लोग 7π/6 बोल रहे हैं तो वो कितना होगा डिग्रीज में. 210 डिग्री. मुझे सबको क्लियर है 210 डिग्रीज क्यों होगा, कैसे कैलकुलेट करना ये मैं इसलिए पूछूं क्योंकि एसेट में यूजुअली दे एक्सपेक्ट यू टू नो कि इसका वैल्यू पाई में कितना आएगा जो भी, लेकिन इतना डरना है, हम लोग के पास कैलकुलेटर है ठीक है. जैसे एक क्वेश्चन था कि tan 7π/6 tan 3π/6 ऐसे करके दो तीन जो टर्म्स था tan का, और पूछा था ऑप्शन में था आर देन ए पी, आर देन जी पी और आर देन एच पी. तो सीधा तुम लोग को क्या करना है बोली, इतना डरना मत, हम लोग को पता है कि काय का वैल्यू 180 है. हाँ यू विल स्ट्रेट अवे फाइंड आउट कैलकुलेटर में एंटर करके, टैन का बटन है सबके कैलकुलेटर में, पहले 7π/6 3π/6 जो भी आंसर है उनका वैल्यू निकालना और फिर टैन ऑफ वो निकाल दो. उसके बाद वी विल अराइव एट नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल वैल्यूज में आ जाएंगे. फिर आप लोग डिसाइड करना कि वो एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, जिसमें भी. ओके डिफरेंशिएशन में भी यूजुअली उन लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते हैं ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, तो आप लोग भी ज्यादा डरो मत. मैम एचपी कैसे निकालें? एचपी इज एपी का रेसिप्रोकल. तो एचपी क्या होता है, जैसे एपी का फॉर्म होता है a a + d a + 2d, ऐसे ऐसे करके जाते हैं. हाँ nth टर्म ऑफ ap का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d. hp is reciprocals of ap, so hp will be 1/a, 1/a + d, ऐसे करके होते हैं. तो मेरे को बताओ hp के nth फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. 1/a + n - 1d. ठीक है, दिस इज ap एंड दिस इज hp. hp मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके क्लियर है सबको ap hp का डिफरेंस. जसलीन ने मेरे को समझा था कि सेकंड आई विल मेक यू ऑल क्वेश्चंस आई के आई लास्ट ईयर का एसेट में है. दिया था कि HP का फर्स्ट टर्म इज 1/3, सेकेंड टर्म इज 1/5, एथ टर्म कितना होगा. बताओ कितना होगा एथ टर्म, कैलकुलेटर से बताओ जल्दी से. जब भी तुम लोग बताना तुम्हारे से मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली. बाकी लोग का कितना क्या भूमिका का आवाज नहीं आ रहा. वन बाय सेवेंटीन कैसे आया? तो आपको कितना आया
जा ही नहीं रहा है, मतलब ठीक है, तो देखो इसलिए पूछा बंदा समथिंग कैसा है। ये एक एचपी है। हाँ तो एचपी है, तो मतलब कि हम लोग का कॉरेस्पॉन्डिंग एपी कितना आएगा, 3.5, डॉट डॉट। इस एपी का एथ टर्म कितना होगा? इतना होगा? 17। तो हाँ एचपी में क्या हो? हम लोग बस एपी को रेसिड्यू वन देखते बाई एपी हैं, क्योंकि होता है अच्छा तो 1/17 ओके। आ गया। सबको हाँ हाँ समझा समझा। क्लियर है कैसे आया? यस मैम। हाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि डरने का बात है, कुछ नहीं भी समझ में, तो बस जो आते हैं उसका लॉजिक लगा के कोई भी ऑप्शन करेक्ट करके आ जाओ करके, तो इट्स ओके। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव्स, सब उसको कॉपी करो, और अभी ए सेट के एग्जाम तक हर दिन उठ के एक बार बस शक्ल देख लेना। मैम ये एफ एक्स वाला जो होता है वो डी साइन एक्स अपॉन डी वाई होता है ना, मतलब डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स होता है, मतलब एफ मतलब यू एक्स आर वाला लुक लाइन। दिस इज एफ एक्स इज आपका वाई, दीज आर द हाँ वाई हाँ वैल्यूज समझा। एंड दिस इज डी वाई बाय डी ओके एक्स वैल्यूज। ओके ओके एक ट्रिक, कभी भी किसी सी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो उसके आगे एक माइनस साइन है, ठीक है? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स और कॉट एक्स तीनों का डिफरेंशिएशन में एक माइनस साइन आता है। मेरे को नहीं पता आपको कितना ट्रिग्नोमेट्री याद है कितना नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को ध्यान है तो यूजुअली साइन एक्स कॉस एक्स हमेशा हर जगह साथ साथ रहते हैं, टैन एक्स कॉट एक्स साथ साथ रहते हैं, और सेक एक्स कोसेक एक्स साथ साथ रहते हैं। नहीं, अब जिसको याद है उसके लिए मैं बोलूँ, जिसको याद नहीं वो माथी मत लगाओ, इसीलिए साइन एक्स कॉस एक्स का सिमिलर है, सेक एक्स कोसेक एक्स का सिमिलर है, एंड टैन एक्स कॉट एक्स का सिमिलर है, ठीक है? सबका ये वाला हो गया। यस मैम हो गया। एक बार इनवर्स का भी नोट डाउन करो। देखो यहाँ पे भी साइन और कॉस का सेम है, बस कॉस सी से स्टार्ट होता है तो एक माइनस वन आ गया। कौन बोलेगा कॉटेन एक्स का कितना आएगा? मेरा लॉजिक अप्लाई करो।
-1/1 x2। जसलीन को तो मेरे को पता ही याद था, याद था सच्ची बोले, याद था ना, याद था कि ठीक सारे याद लगा है, रहा मेरे को तो सारे याद है। इसीलिए मुझे पता है इसको याद था। लॉजिक लगाओ, सी से स्टार्ट हो रहा है तो एक माइनस आएगा, कॉट और टैन हमेशा साथ में रहते हैं। याद करने की ट्रिक तो ये लगा रखी है। अंडरस्कोर आएगा, नहीं अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट साइन और कॉस में आते हैं, टैन और कॉट में अंडर रूट। ओके ये ठीक बताओ, को सेकंड रो इसका बताओ कोई, कौन बताएगा? -1 अपॉन एक्स रूट x2 -1। डिफिकल्ट नहीं, राइट या रॉन्ग है? राइट? कॉपी कर लो सम। अरे एक सम करो। मैम जस्ट अ मिनट। हल्का सा डिफिकल्ट सा बट बहुत डिफिकल्ट। डन। मैम टाइम दे दो 2 मिनट का इसके लिए। मच अ मॉन्स्टर, मेरे को पता है टाइम लगेगा, पर ऑप्शंस दो कि आप लोग खुद ही करना चाहते हो। ये तो मैम ऑप्शन दे दो। मैम कॉसेक्स खुद ही काम था, एक सेकंड। हाँ क्या बोलो, क्वेश्चन है कोई? नो मैम आंसर। अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, उसको थोड़ा ध्यान से देख के ऑप्शन। कौन से भैया? नहीं विवेक सर, थोड़ा वापस तो आ गए लेकिन करता हूँ। अगर ऐसा दिखने वाला आंसर नहीं है तो आंसर गलत है, वापस कर लो। आप बोलो अदित क्या बोल रहे थे? म्यूट पे, म्यूट पे। हाँ cos x upon x minus ln x into sin x।
चार ही ऑप्शन है, मतलब चारों में से कोई। मैंने तो बोला ही था राशि, मैंने तो बोला ही था कि ऑप्शंस होंगे तो आपने भी डरोगे। और कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, टाइम लिख के स्टेप बाय स्टेप, डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, एक हिंट दे देती हूँ, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना कि नीचे भी पावर है ऊपर भी पावर है, हाँ, मतलब कि कैसा फॉर्म हो गया, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये होगा। दोनों साइड में लॉग ले लेगा तो क्या होएगा, सब ध्यान से देखो यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा। फिर अगर हम लोग, अब यहाँ पे वाई नहीं है, अब यहाँ पे लॉग वाई है, तो क्या होगा, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको तो हम लोग नॉर्मली कर लेंगे, इसको नॉर्मली कर लेंगे, लॉग वाई को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ इट विल वो बी लॉग, वन बाय हाँ वाई इंटू इनटू डी डीवाई बाय डी बाय एक्स। डीएक्स। और फिर ये जो वन बाय वाई है, इसमें वाई को हम लोग दूसरा साइड में ले जाएंगे, तो इस साइड में वी विल रिमेन विथ डी बाय डी एक्स, ठीक है। ये साइड को तो नॉर्मली आप लोगों को खुद करना है, डिफरेंशिएट इसको करके इंटू वाई करना और आप लोग का आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। करो, ट्राई करो।
जिसमें ए आएगा। क्लियर है सबको? कोई भी जिसको भी डाउट है मैं वो से एक्सप्लेन करूं? एनीवन? यस मैम। किस चीज के लिए था? एक्सप्लेन करूं? यस मैम। देखो मैंने क्या बोला, हम लोग बोथ साइड्स लॉग लेंगे ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले लॉग लिया तो ये जो कॉस एक्स था ये पावर में था तो ये नीचे उतर के आ गया है ना, एंड ये हो गया एल एन ऑफ एल एन एक्स, क्योंकि ये हम लोग लॉग अभी नया लिए हैं और एल एन एक्स ऑलरेडी था हम लोग का। क्लियर है ये वाला स्टेप? यस मैम। क्या मैं काम कर रहा हूँ अभिषेक? ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, एल एन वाई को जब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 1/y × dy/dx। इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि क्या है, कॉस एक्स है इनटू अनदर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हम लोग का कॉस एक्स यू है और एल एन ऑफ एल एन एक्स वी है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यू को हम लोग एज इट इज रखते हैं, वी को डिफरेंशिएट करते हैं, एल एन ऑफ एल एन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले बड़ा वाला ब्रैकेट को करेंगे तो एल एन ऑफ समथिंग है तो 1/दैट कर देंगे, फिर हम लोग एल एन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे वो 1/x आएगा, तो ये पूरा हम लोग का वी का डिफरेंशिएशन हो गया और ये एज इट इज यू हो गया। फिर हम लोग प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, प्लस, प्रोडक्ट रूल में प्लस ही रहेगा। अब हम लोग यू को डिफरेंशिएट करेंगे और वी को एज इट इज रखेंगे, सबसे पहले तो वी को एज इट इज लिख दिया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर हम लोग किए, माइनस साइन एक्स होता है हाँ, तो इनटू माइनस साइन एक्स, और फिर हम लोग इस वाई को अपोजिट साइड ले जाएंगे क्योंकि हम लोग को तो dy/dx निकालना है, तो ये 1/y का यहाँ पे कोई काम नहीं है इस साइड में, उस साइड ले जाएंगे। तो वाई क्या था, वाई वाज क्वेश्चन में एल एन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, तो इसको हम लोग लिख दिए और अंदर का हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर? यस मैम। आप कुछ यूजेस डेरिवेटिव्स के, सबसे पहले तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे जब हम लोग डिमांड वाला किए हम लोग क्या बोले थे, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम प्लस प्राइस प्लस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, अगर हम लोग इसी के साथ मूव, हम लोग क्या अज्यूम किए कि ये दोनों कॉन्स्टेंट है,
लेकिन एक्चुअल प्राइस और टेस्टिंग प्रेफरेंसेस भी चेंजिंग वेरिएबल्स होते हैं, दे ऑल्सो चेंज. हाँ बट हम लोग अज्यूम कर लिए कि वो कॉन्स्टेंट है एंड वी जस्ट डिफ्रेंशिएटेड डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू इनकम. करेक्ट. तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि हम लोग कैसे ना डिफ्रेंसिएशन में सिर्फ एक्स इज द ओनली वेरिएबल एंड उसके चेंज का इफेक्ट हम लोग मेजर कर रहे हैं. पार्शियल डिफ्रेंसिएशन में मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं. मान लो ठीक है, पार्शियल. अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते फुली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स भी एक वेरिएबल है और जेड भी एक वेरिएबल है. तो अगर हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक्स के टर्म में चेंज मेजर करेंगे, बट हम लोग जेड भी तो हो सकते हैं, जेड भी तो एक्स से रिलेटेड है ना. हाँ क्योंकि वो सेम फंक्शन का पार्ट है. तो तब हम लोग क्या करते हैं? हाँ जसलीन बोलो. गलती से हो गया, गलती से हो गया. तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, सेकंड. सॉरी. हाँ हम लोग क्या, तो हम लोग यहाँ पे डी वाई डी एक्स नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे जेड भी एक वेरिएबल. तो व्हाट डू वी डू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डी हम लोग ग्रीक डी लिखते हैं, जिसको बोलते हैं डेल्टा. तो हम लोग क्या करें, हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करें. पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं है, बस जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ वो वाले टर्म्स को कंसिडर करेंगे, उसके अलावा एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट फॉर अस. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंशिएट करें तो हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करें थे, बिकॉज वी आर ओनली कंसिडरिंग इनकम एंड अज्यूमिंग कि प्राइस और टेस्ट एंड प्रेफरेंस कॉन्स्टेंट है. तो कॉन्स्टेंट होने से तो डिफरेंशिएशन उनका जीरो हो जाएगा, तो खाली हम लोग इनकम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे थे. एक एग्जाम्पल करो पार्शियल डिफरेंशिएशन का. ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन आता नहीं है ज्यादा. करना बस सोचना वाई एक ऐसे ही कॉन्स्टेंट है. अगर तुम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, और अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करो तो सोचना एक्स ऐसे ही कोई कॉन्स्टेंट है. उसको मन में कोई भी नंबर ले लेना, 2, 3, 4 कुछ भी ले लेना. मैम उसे क्या डिनोट कर रहे हैं? उससे क्या मैम ये जो एफ है,
एफ इज इक्वल्स टू नहीं बी जैसा लग रहा है। डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स होगा 4x y + 1 4x y + 1 और 2x² + 2 बाकी लोग बोलो। यस मैम मैंने क्यूब नहीं देखा। मैम मेरा डेल्टा एफ बाय डेल एक्स आया 4xy प्लस 3 एक्स प्लस 2y होल क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस 2y होल क्यूब होल क्यूब होल स्क्वायर होल स्क्वायर। और डेल एफ डेल वाई 2x² + 6x + 2y² बाकी लोग का कितना आ रहा है? वेरी गुड। राशि की वजह से मार खाएगी। तुम कैमरा ऑन करो राशि अपना। मैम सेम आएगा। वेरी गुड राशि कैमरा ऑन करो। देखो मैं बाद में नहीं सुन रही हूँ। बहुत जोर से नहीं डांटूंगी मैं। कैमरा ऑन करो अपना जी। ठीक है मैं बोलो बाकी लोग बोला रहे फिर जस्टिन डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स ये आ रहा है बट डेल्टा बी बाय डेल्टा वाई देखो पहला टर्म तो 2x² होगा क्योंकि y एक ही है हट जाएगा। नेक्स्ट वाले में 3 को उतारेंगे हम लोग सबसे पहले और ब्रैकेट में x प्लस 2y² होगा होल स्क्वायर। तो ये 2y के ऊपर भी तो हम लोग को चेन रूल लगाना है ना तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा। अरे हाँ मैम यहाँ समझ आ गया। क्लियर है सबको? क्लियर है अभिषेक? यस मैम। क्लियर ठीक है। अब अगर तुम लोग को कोई लाइन दे दिया कोई लाइन का इक्वेशन दे दिया
ठीक है, तुम लोग उसका स्लोप निकाल सकते हो? यस मैम। यस निकालो, एंगल दिया हुआ तो 10 थीटा। नहीं, दो अगर इक्वेशन दे रखी हो तो निकल जाता। और हम वो फॉर्मूला होता है, कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों फॉर्मूला क्या करना, डिफरेंशिएशन सिखाया है मैंने तो, स्लोप क्या। अरे हाँ मैम, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। हाँ याद, डीवाई अपॉन डीएक्स। वेरी गुड, डीवाई अपॉन डीएक्स निकाल के स्लोप निकल सकते। तो कोई लाइन इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका स्लोप कितना होता है? सेम होगा। नहीं मतलब जो भी दे रखा होगा, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप होगी। x एक्सिस का स्लोप कितना होता है? टेन जीरो। क्या जीरो? वो टेन जीरो, ट्रिग्नोमेट्री वाला टेन। ओ टेन जीरो, अच्छा ओके समझ गई। ही मींस टेन जीरो। यस मैम। टैन जीरो का वैल्यू कितना होता है? जीरो। तो मतलब एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? जीरो। जीरो? तो कोई भी अगर लाइन है व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसका स्लोप भी जीरो होगा। मुझे देखने के लिए करने का सब क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब समझ करूंगी आपको। एक और चीज देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन नाम से क्या समझ में आ रहा है? जो फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो किसके साथ, कब इंक्रीज हो रहा हो? जब एक्चुअली इंक्रीज हो, जब एक्स की वैल्यू जीरो हो। नहीं वो जीरो नहीं, इंक्रीज होगी। तो मतलब एक्स इंक्रीज होगा और एफ एक्स भी इंक्रीज होगा तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन। डिपेंड करता है ना फंक्शन पे। नहीं अगर ये हुआ तो मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। नहीं मैम उसकी तो कुछ और ही वो होता है। हम अगर एक्स इज लेस देन जीरो हो तो शायद इंक्रीज होता है। इतना कॉम्प्लिकेट मत करो चीज को। अगर x इंक्रीज हो रहा है और fx भी इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर x डिक्रीज हो रहा है और fx भी डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। जस्ट इन सिंपल लैंग्वेज x के ऊपर जो कंडीशन है एक बार के लिए वो भूल जाओ। सच पूछो तो मेरे को भी याद नहीं क्योंकि वो एकदम कोई मतलब ही नहीं है कंडीशन का। अगर x इंक्रीज हो रहा है और fx डिक्रीज हो रहा है तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर x इंक्रीज हो रहा है एंड fx इज कांस्टेंट तो दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। दिस इज द सिंबल फॉर कांस्टेंट। ठीक है, मान लो fx इक्वल टू 24 है तो वो इंक्रीजिंग होगा कि वो डिक्रीज? कांस्टेंट होगा क्योंकि हम लोग एक्स को कुछ भी करें फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। क्यों मैम? लाइक अगर वन पुट करते हैं तो वन बाय वन, वन बाय टू, तो ये डिक्रीज होती जाएगी वैल्यू।
एक्स डिनोमिनेटर में, तो एक्स डिनोमिनेटर हम लोग जितना बढ़ाते जाते हैं हम लोग का वैल्यू उतना कम होते जाते हैं, राइट? तो इसीलिए दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा हम लोग का एफ एक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, राइट? तो अब इसको मैं डिफरेंशिएशन के क्लास में क्यों कर रही हूँ? ये सब तो बहुत सिंपल सिंपल फंक्शन था, हम लोग देखते ही बोल दिए. अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा तो हाउ विल यू नो कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है? हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ डैश एक्स, क्योंकि एक्चुअल में एफ डैश एक्स क्या होता है? चेंज इन एफ एक्स ड्यू टू चेंज इन एक्स. हाँ, तो इफ माई चेंज इन एफ एक्स ड्यू टू चेंज इन एक्स का वैल्यू कुछ पॉजिटिव आया, मतलब मेरा एफ एक्स बढ़ रहा है एक्स को बढ़ाने से या एक्स को चेंज करने से. अगर मेरा वैल्यू नेगेटिव आया तो मेरा एफ एक्स गिर रहा है एक्स को बढ़ाने से या एक्स को चेंज करने से. हाँ, मतलब बेसिकली ऑपोजिट डिरेक्शन में मूव कर रहा है. हाँ, क्योंकि अगर हम लोग जो भी है हम लोग अज्यूम करेंगे अगर एक्स बढ़ रहा है तो वो चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. यहाँ पे जैसे वी आर अज्यूमिंग एक्स बढ़ रहा है, अगर हम लोग सेम लेंथ पे देखें तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक्स घटने से एफ एक्स क्या होना चाहिए? घटना चाहिए ना. अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा एज एक्स. अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. और कांस्टेंट फंक्शन में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, दैट विल रिमेन द सेम. इसलिए जब हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो आता है क्योंकि कोई चेंज ही नहीं होता. अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? कितना है? मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दी थी. 1 बाय x का डिफरेंशिएशन कितना? ln माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. नेगेटिव आ गया. और x स्क्वायर का 2x. 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 तो हम लोग क्या समझे? जब कांस्टेंट था तो हम लोग का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव केम एज जीरो. तो कोई भी फंक्शन होगा उसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हुआ तो मतलब इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन. अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो इट इज अ इंक्रीजिंग. और अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ डिक्रीजिंग फंक्शन तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, एक बार आज हम लोग यहीं एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा पार्ट बचा है और लिमिट्स में डिफरेंशिएशन का क्या एप्लीकेशन है वो करेंगे और फिर हम लोग का ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो आज एक बार हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं. ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है. कोई भी डाउट? नो मैम. ठीक है, थैंक यू. हाँ बोलो. एक चीज पूछनी थी, अगर एसेट मैं जनवरी में लेती हूँ तो उसके लिए कब अप्लाई कर सकती हूँ? थोड़े दिन में खुल जाएगा. श्योर है ना जनवरी में है ना? मैम कल क्लास होगा? कल तो नहीं होगा. I think अब शायद 3-4 days के लिए नहीं, पूजा के लिए holiday. Okay ma'am. Happy पूजा all of you. Bye bye, thank you. Same to you ma'am. Bye ma'am.